सापड़ाम सिटी टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास पराशर। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के 75 साल पूरे कर लिए हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय का प्लेटिनम जुबली समारोह मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज सिरोही के आबू रोड पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश से आए लोगों ने शिरकत की। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में ये जमावड़ा लगा है संस्था के प्लेटिनम जुबली पर आयोजित समारोह में, जिसमें न सिर्फ संत महात्माओं ने हिस्सा लिया बल्कि राजनेताओं, नौकरशाहों और स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग भी शामिल हुए। 3 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम के पहले दिन दुनिया में शांति और सद्भाव की स्थापना और बढ़ती अराजकता पर अंकुश लगाने के उपायों पर चर्चा हुई और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का मंत्र फूंका गया। सभी भाई बहने या इस संस्था से जुड़े हुए या यहाँ पर आकर के जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, उन सभी का एक ही लक्ष्य है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हो सकता है। समारोह में विद्वानों ने आध्यात्मिकता के जरिए बेहतर समाज की स्थापना की भी चर्चा की और कहा कि सतयुगी समाज की स्थापना अध्यात्म के जरिए हासिल शुद्धता से ही हो सकती है। साथ ही एक विश्व और एक ईश्वर का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। तो सत धर्म की स्थापना के साथ साथ आध्यात्मिकता राज्य स्थापन करता है, सतयुगी स्वराज्य जिसमें एक धर्म, एक राज, एक भाषा, वन वर्ल्ड वन विश्व। इसीलिए इस थीम पर कि वन वर्ल्ड वन गॉड वन फैमिली, वन वन फैमिली खाली नहीं, वन गॉडली फैमिली है। ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय 75 साल से खास तौर पर महिलाओं की शिक्षा और अध्यात्म के प्रचार प्रसार में लगा है। ऐसे में अब प्लेटिनम जुबली समारोह के जरिए समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए चिंतन का प्लेटफॉर्म मुहैया कराकर इस संस्था ने एक और अच्छी पहल की है। कोमल यादव के साथ मनीष यादव, सहारा न्यूज ब्यूरो, माउंट आबू। और माउंट आबू से हमारे संवाददाता कोमल यादव हमारे से जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। कोमल, 3 दिन तक ये चलेगा कार्यक्रम, आज के कार्यक्रम में क्या क्या खास रहा? हाँ विकास, देखिए ये पूरी की पूरी जो गहन मनन चिंतन था ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 75 वर्ष पूर्ण करने पर, आज उसका बड़े गहन मनन चिंतन के साथ समापन हो गया। और देश और दुनिया से जो तमाम मुल्कों से जो लोग आए थे, जो सभी वर्गों के लोग थे, धर्माचार्य थे, राजनीतिज्ञ थे, नौकरशाह थे, सबने एक मत से इस पूरे समाज के बदलाव के लिए अपने बातों पर प्रतिबद्धता जाहिर की है कि नहीं, अब समाज में बदलाव होना ही चाहिए। और उसके लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर जब तक हम दैहिक भावनाओं से ऊपर नहीं उठेंगे, जब तक धर्म के बंटवारे से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक इस समाज में बदलाव असंभव है। इसलिए कहीं ना कहीं हम सभी को एक मंच पर आकर के और सब लोगों को इन चीज़ों से दरकिनार करते हुए अगर समाज से बुराइयों को ख़त्म करना है तो उसके लिए आध्यात्मिकता के साथ एक साथ एकजुट होना पड़ेगा। इसके साथ ही हम आपको विकास बात करा रहे हैं, हमारे साथ त्रिनिराज से स्वामी ब्रह्मदेव आए हैं, मैं उन्हीं से जानता हूं कि इसके निष्कर्ष क्या निकले हैं। स्वामी जी, आप त्रिनिराज से आए हैं और जिस तरीके से 3 दिन का गहन मनन चिंतन चला है, आखिर भी इसका निष्कर्ष क्या निकला है, इसके किस रूप में आप देखते हैं? परिचीज की जितने सब आए हैं वो सब परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन अच्छा परिवर्तन, गुड चेंज चाहते हैं। जहाँ पर कि समानता, एकता, संपन्नता हो और अन्याय, अत्याचार और अव्यवस्था, अज्ञान दूर हो, इसमें किसी का कोई विभेद मत नहीं है। सभी लोगों की एक ही विचार है कि समाज में अव्यवस्था है, अज्ञान है और जो है अत्याचार है। अत्याचार मतलब जिससे भ्रष्टाचार हुआ, किडनैपिंग हुई, हत्याएं हुई, यह इस पर तो कोई बहु एक एक मत ही सबका है। आप क्या समझते हैं कि ये जो 3 दिन तक जो ये प्लेटिनम जुबली महोत्सव चला है, जिस तरीके से सारे वर्गों के लोगों ने इस पर मनन चिंतन किया, क्या इससे एक सकारात्मक हल निकलेगा? जी, क्योंकि इस पर 3 विचार हुए, संत शक्ति भी खड़ी हो जाए, समाज शक्ति भी आगे आए, साथ दे सबका, और दूसरा राजनेता भी अपने को परिवर्तित करे, जिसको राजनीतिक शक्ति, मैंने राज शब्द में प्रयोग नहीं करता, उसको मैं राजनीति नहीं कहता, लोकनीति। जब राजा थे तो राजनीति थी, जब लोकतंत्र आ गया तो लोकनीति, तो लोकनीति बदले और समाज शक्ति खड़ी हो और संत शक्ति उसका नेतृत्व करे, तो मैं समझता हूं कि परिवर्तन होने में देर नहीं है। अब इस क्यों नहीं हो रहा है,
क्योंकि अभी तक पहल नहीं की गई सबको जगाने का। यह जागरण का कार्य है। दो चीज होती है, एक जागरण होता है जिसको पुनर्जागरण कहते हैं। देखिए विकास, बिल्कुल साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि अब तक जो भी पहल होती रही है उसको एकजुटता नहीं मिलती रही है और आज एक वक्त है कि इसमें सबको एक पहल करनी पड़ेगी, सकारात्मक बदलाव की मुहिम छेड़ना पड़ेगा। अब हमारे साथ हैं इस संस्था के जो जिन्होंने प्लैटिनम जुबली में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, जो सचिव हैं, हम उनसे जानते हैं कि इसका क्या निष्कर्ष निकला। आपने पूरे कार्यक्रम को आपने ऑर्गेनाइज किया है और इसमें क्या आप सोचते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है? इस निष्कर्ष में यही है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मंच पर एक आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम द्वारा सब प्रकार की परिवर्तन ला सकते हैं। सबसे पहले एक विचारों की क्रांति की आवश्यकता है, संस्कारों की परिवर्तन की आवश्यकता है और ज्ञान की परिवर्तन की आवश्यकता है। ज्ञान को उभार करके मनुष्य के अंधकार है, जैसे स्वामी जी ने कहा, उसको परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इस बात में सभी सहमत है और इसको हम लोग तभी तक तो एक इंडिविजुअल की तरफ से, एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन की तरफ से चल रहे थे, परंतु अभी समस्त संत लोगों ने जुड़ गया है। इसके आप इसके बाद इस संस्था की अगली रणनीति क्या होगी जिससे समाज में बदलाव आए? हम सभी संतों को एकत्रित करेंगे, अभी राजनीतियों को भी एक धार्मिक पाठ पढ़ाएंगे और व्यवहार में, एडमिनिस्ट्रेशन में अभी दुराचार है और भ्रष्टाचार चल रहा है और हिंसाचार चल रहा है, उनके प्रति अंकुश डालने के लिए आध्यात्मिकता की शक्ति को प्रयोग करने की बात होंगी और साथ साथ में अपने बच्चों के श्रेष्ठ संस्कार डालने के लिए, आध्यात्मिक मूल्यों को, चरित्र निर्माण करने के लिए, नैतिक मूल्यों को शिक्षा में अडॉप्ट करने के लिए हम सरकार के और अन्य माध्यम के द्वारा, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के माध्यम द्वारा हम इसको प्रयत्न करेंगे। मैं समझता हूँ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जितने भी प्रयत्न हैं इन 75 ईयर्स के अंदर प्रयोग सफल रहे और इस सफल का प्रयोग को अधिक प्रमाण से, व्यापक रूप से हम एक क्रांति लाएंगे, ये हमारा योजना है। और हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक बड़े लीडरशिप है संस्था के, जो बड़ी दादियां कहेंगे वह बहनें कहेंगे। और दूसरा जो है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का प्रयोग जी, है जी। आप विकास, आप देख रहे हैं कि जो आयोजक हैं और जो इसमें पार्टिसिपेट महंत हैं, इनका कहना है कि अब वो वक्त नहीं है कि अब इसको देर किया जाए, क्योंकि आज मानवता की जिस तरह से तिलांजलि समाज में हो रही है ये बिल्कुल बिल्कुल मानवता के खिलाफ है और अगर अभी समाज को बचाना है तो उसके लिए इस तरह की मुहिम का हिस्सा बनना पड़ेगा। और उसी की देन है कि आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने इतने बड़े पैमाने पर ये जो कार्यक्रम आयोजित किया है जिसमें देश और दुनिया के तमाम मुल्कों के लोग, तमाम वर्गों के लोग शामिल हुए। विकास बिल्कुल कोमल, अध्यात्म का पाठ कहीं ना कहीं इन राजनीतिज्ञों को पढ़ाया जाएगा ऐसा कहना है लोगों का और निश्चित रूप से इसका प्रभाव तभी समाज पर दिखेगा। अभी कोमल, हम देख पा रहे हैं आपके साथ और भी बहुत लोग मौजूद हैं, किस तरीके से अब अगली रणनीति रहेगी इस पर आप चर्चा कर चुके हैं, क्या कोई अगली तारीख भी तय की गई है जब एक बार फिर से इतना बड़ा सम्मेलन होगा? देखिए विकास, इसमें जो आयोजक हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब केवल माउंट आबू ही नहीं बल्कि ब्रह्मा कुमारी जी एक अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू में है और दुनिया के 137 मुल्कों में इसकी ब्रांचेज हैं। और सबसे बड़ी बात बता दें विकास की, जो इस संस्था की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह दुनिया की पहली ऐसी संस्था है जिसमें महिलाएं संचालन करती हैं, करीब 26,000 महिलाएं हैं और ये परमात्मा शिव को ये लोग अडॉप्ट करते हैं, उनको मानते हैं। तो इनका कहना है कि पूरे देश और दुनिया के सारे देशों में इस तरह की मुहिम छेड़ेंगे और जितने इस देश के लोग हैं, जितने समाज के लोग हैं, जितने जुड़े हुए लोग हैं, सबको एक मंच पर ला करके ऐसा सकारात्मक प्रयास करेंगे। विकास बिल्कुल कोमल, निश्चित रूप से इनके प्रयास सराहनीय है और देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में क्या कुछ ये संस्था करती है। धन्यवाद आपका और आपके साथ मौजूद तमाम लोगों का। और सीजीएन में यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।